नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। और आप लोग को सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इसका कारण भी आप लोग को पता होगा कि इस मंथ के लास्ट में एग्ज़ाम को करवाना था कंडक्ट, बट सीजीएल का एग्ज़ाम इस मंथ के अंत में कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि अभी अगर एग्ज़ाम होता तो एडमिट कार्ड भी जारी करना होता। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29/5/2021 से सीजीएल का एग्ज़ाम था, वो भी अब कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। और 21/5 से लेकर 22/5 तक जो वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम होना था सीएचएसएल का, वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट अब नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि आज हो गया 7 तारीख। तो ये दोनों एग्ज़ाम कैंसिल होना तो लगभग तय ही था। अब ये एग्ज़ाम कब होगा, ये एग्ज़ाम होगा अब इसके बारे में हम बात करेंगे। और जीडी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो भी अब नहीं निकलेगा। मतलब कम से कम नोटिफिकेशन तो इन्हें निकाल देना चाहिए था, एग्ज़ाम ले चाहे ना ले, एग्ज़ाम का जो फॉर्म था वो तो फॉर्म फिल करवा देते, ताकि बच्चे एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करके तैयारी करते रहते अपना। तो यहाँ इन्होंने गलती किया मेरे हिसाब से जीडी कांस्टेबल के कंडीशन में। बाकी दो तो पहले से पता था कि आपको एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, ठीक है, इस मंथ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि रेलवे का एग्ज़ाम भी लेट से हो सकता है। तो अब ये एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए इस मंथ में नहीं होगा, अगले मंथ में भी नहीं होगा, क्योंकि अगले मंथ में कराने के लिए पहले कोविड एकदम में घटते हुए ग्राफ में जाना चाहिए। तो कोई कराने का तुक नहीं है, 2-3 महीने तक कोई कराने का तुक नहीं है। तो मई पूरा 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 बीत जाएगा आपका। मई के बाद 2 महीना मान के चलिए जुलाई, जुलाई के बाद कहीं जाके आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बाकी सब एग्ज़ाम के जो एसएससी के होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अगस्त से पहले भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इस बार भी आपको अगस्त में ही जाके एसएससी का कोई एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जैसे सीएचएसएल का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा अगस्त में। तो यहाँ पर टाइम लगेगा, हो सकता है कि इस बार लगातार एग्ज़ाम लास्ट ईयर जैसा सीएचएसएल का और सीजीएल का दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही ये करवा दे, जो भी एग्ज़ाम बच गया जी। और एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना सब एक साथ देखने को मिल सकते हैं अभी फ़िलहाल इस बार। तो फिलहाल यही अपडेट आप लोग को देना था। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई अपडेट आएगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।